नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम गले की कटिंग अस्तर पे करेंगे। हमने इसका शोल्डर और आर्म होल कट कर लिया है। शोल्डर हमने 5 इंच लिया है और आर्म होल 6 इंच, 2 इंच पर गुलाई दी है। अब हमें गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। नीचे से हमें 3 इंच लेना है। गले की गहराई हम 10 इंच लेंगे। जो हम डिजाइन बनाएंगे वो हमारे पीछे हुक गले पर होगी। तो इस डिजाइन में हमारा पीछे से खुला हुआ होगा तो इसलिए नीचे हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है। जरा देखिए हमें गोल गला बनाना है। इसे कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। हम कपड़े पर अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और कट करेंगे। इस तरह देखिए हमने कट कर लिया है। हमें गले को बुकरम पे निकालना है। इस तरह देखिए हमें बुकरम लेना है, अच्छे से मिलाते हुए इसे रखना है बुकरम पे। अब हम देखिए 1.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है बुकरम की। तो इस तरह कट कर लेंगे। देखिए इस तरह कपड़े पर अच्छे से मिलाते हुए इसे रखेंगे और इस पर हम प्रेस करके इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। हम इसे कट कर देंगे की साइड से भी हम कपड़े को बुकरम के बराबर से ही कट कर लेंगे। बाहर की तरफ के कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरह गले पर अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। बाहर की साइड से देखिए हमें सिलाई नहीं लगाना है। 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके लेंगे। इसे हमने सीधे ही कपड़े पर कट की है और ये भी कपड़े पर नहीं कट करना है। हम इस तरह मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। अब हमें देखिए छोटी छोटी चुन्नटें देंगे हम। बाहर की तरफ ये हमारी 1/2 इंच होगी और हमें छोटी छोटी चुन्नटें देते हुए डिजाइन बनाना है। इसी तरह देखिए हमें छोटी छोटी प्लेट देते हुए चुन्नट बनाते हुए डिजाइन को पूरा कर लेना है। अब हमें डिजाइन बनाना है। हमने चौकोर कपड़ा कट करके लिया है। ये 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा हमने कट किया है। अब हमें इस कपड़े से डिजाइन बनाना है। पहले हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे, फिर हमें एक बार और मोड़ना है। इस तरह देखिए हम बराबर से डिजाइन को बनाएंगे। साइड से हमें लगाना है। से देखिए सेंटर से हम डिजाइन को थोड़ा सा छोड़ते हुए लगाएंगे। इस तरह हमने देखिए सेंटर से निशान बनाया है। ये हमारा पीछे हुक वाला ब्लाउज होगा तो यहाँ से हम कट करेंगे और हुक और आई के लिए पट्टी लगाएंगे तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ते हुए डिजाइन बनाएंगे।
देखिए हमने सारी डिजाइन को अच्छे से मिलाते हुए बना ली है। हमारा ज्यादा कपड़ा है, गले की साइज का हम रखेंगे, जो ज्यादा है उसे हम कट कर देंगे। हमें गले पर पाइपिंग बनाना है, तो पाइपिंग बनाने के लिए हम पट्टी निकालेंगे और अभी पट्टी हमें निकालनी है, 1.5 इंच चौड़ी हमें निकालना है। हम देखिए इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। अब देखिए हम इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। देखिए हमने गले पर पाइपिंग बना ली है, 1 इंच चौड़ी और भी पट्टी कट करेंगे। अब हम पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पट्टी को लगाएंगे, इस तरह से हमें मोड़ना है। ये चुनर देते हुए डिजाइन बनाया है, वहीं से हमें इसे लगाना है। हमने पट्टी पर सिलाई लगा दी है, अब हमें इस तरह देखिए इसे पलटना है और पलटते हुए हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह गोल्डन लेस लेंगे और लगाएंगे, इस तरह से हमें लगाना है इसे। देखिए इस तरह पट्टी कट कर के लेंगे और नीचे की साइड में भी हमें लगाना है। अब हमें लेस लगाना है। इस तरह देखिए हमने लेस लगा लिया है। हम इसे सेंटर से कट कर देंगे और हुक और आई के लिए पट्टी लगाएंगे। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर हुक और आई के लिए पट्टी लगा ली है। इस साइड हमने आई के लिए बनाया है और इस साइड हम हुक लगाएंगे। इन डिजाइनों पर मोती लगाएंगे। इस तरह देखिए हम पिंक कलर की मोती लेंगे। इसी तरह देखिए हमें सभी डिजाइनों पर मोतियां लगाना है। इस तरह देखिए हमने पूरे डिजाइन पे मोतियां लगा ली है। यहाँ पर देखिए हमने हुक और आई भी बना ली है। तो अब ये हमारा डिजाइन बन गया है। तो हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।